आपको स्टाफ नर्स का जॉब लेना है, बिहार में नर्स का जॉब लेना है, तो आपको आज से ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। भले आप पहले कितना भी पढ़ाई किए हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। तो उस हिसाब से जब तक आपके फॉर्म नहीं आते हैं, तब तक मैं डेली 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन का जो है आपको वीडियो यहाँ पे लाने वाला हूँ, ठीक है ना। जितने भी मेरे डियर हैं, चाहे आप बीएससी नर्सिंग किए हैं, जीएनएम किए हैं, आपकी बार सब लोग को मौका मिलने वाला है नर्स के बहाली में। तो आप सभी लोग जी जान से लग जाइए, और ये मत सोचिए कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है तो वो काम कर जाएगा। नहीं, पहले तो आपको मार्क्स करना ही पड़ेगा सीबीटी में, उसके बाद आपका जो है आपका एक्सपीरियंस का नंबर ऐड होगा। लेकिन जो ज़्यादातर फ्रेशर होंगे, उनको मैं सीधा बता दूं, आपको बिना पढ़ाई आपका जॉब नहीं होने वाला है। तो अभी एक पर एक ज़बरदस्त क्वेश्चन वाला अगर आप सोचते हैं कोई चैनल है, तो वह सिर्फ़ और सिर्फ यही मेडिकल नर्सिंग चैनल है, जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से आपका जो है तैयारी करवाया जाता है। एएनएम का भी तैयारी कराया गया था, और अब बिहार का, चूंकि बताया जा चुका है कि नर्स का बहाली आएगा बहुत ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अभी से ही प्रिपरेशन कहिए या फिर आप कहिए प्रैक्टिस तो शुरू कर दिया हूँ। बाकी जैसे ही फॉर्म निकल जाएंगे और एक विश्वास हो जाएगा कि हाँ बहाली आ चुका है, तो दिन के 2 वीडियो आपको देखने को प्रतिदिन मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को और ज़्यादा तैयारी में बेहतरीन होगा। बाकी अभी आप कितना पहले पढ़े हैं, कितना तैयारी किए हैं, आप एक क्वेश्चन सबका टेस्ट देकर पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यह आपका तीसरा नंबर का वीडियो है स्टाफ नर्स के लिए, यह तीसरा नंबर का वीडियो है। इसके पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, नहीं देखे तो जाकर देखिए। समान जगह कॉमन साइट चकत्ते के साथ एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, वह कौन सा जगह है, वह कौन सा साइट है जहाँ पे रेसेज होते हैं, चकत्ते होते हैं, और साथ में एक्टोपिक जो है डर्मेटाइटिस होते हैं। कुल्हे, कंधा, एंटी क्यूबिटल स्पेस और जांघ। तो आपको पता होगा कि आपके नी जो घुटना है, घुटना के जो जहाँ से मुड़ता है उसके पिछले वाला भाग, और साथ में जो आपका हाथ का जो केहुनी है, उस केहुनी का जो पीछे वाला भाग है, केहुनी का मतलब फ्रंट साइड जहाँ से मुड़ता है, वहाँ पे दाना दाना चकाता होता है और एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है। तो उस क्षेत्र को हम लोग एंटी क्यूबिटल स्पेस कहते हैं, जहाँ से हाथ मुड़ता है या फिर जहाँ से टखना नी मुड़ता है, उसे एंटी क्यूबिटल स्पेस कहते हैं, और वहीं पर एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ज़बरदस्त प्रश्न है, खुजली के नैदानिक लक्षण सम्मिलित है। कहता है कि खुजली के नैदानिक लक्षण में कौन जो है सम्मिलित है, खुजली के नैदानिक लक्षण में। तो खुजली के नैदानिक लक्षण में कौन कौन है, गंभीर खुजली विशेषता रात के समय, बुरोवस की उपस्थिति, इथ्रोमेटस पेप्यूल्स, उपरोक्त सभी। तो देखिए खुजली के जो लक्षण होते हैं, उसमें खुजली जो है अधिकतर रात में ज़्यादा परेशान करता है, बात सही है। उसमें बिरोबस का उपस्थिति रहता है, बिल्कुल सही है। एरिथ्रोमेटस पेप्यूल्स जो है होते हैं उस पर, बिल्कुल सही है। यानी उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, 2 का D सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, तीसरा है, एस्केबिज बुरोबस की उपस्थिति के ऊपर क्या होता है, एंटीग्रेडिजिटल वेबस, कलाई के खुले भाग के फलेकर, एंटेरियर एक्सिलरी फोल्ड। मतलब ये सब जगह बता रहा है कि एस्केबिज बुरोबस की उपस्थिति किसके ऊपर होता है, तो ये बता रहा है ऑप्शन नंबर D सभी सही है। यानी एस्केबिज जो बुरोबस होता है, वह एंटीग्रेडिजिटल वेबस पर भी उपस्थित होता है, कलाई के खुले भाग के ऊपर भी, और एंटेरियर एक्सिलरी फोल्ड पर भी यह स्थित होता है। बातें को समझिएगा, ठीक है। एस्केबिस बुरोबस, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है, चौथा नंबर का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, एस्केबिज के उपचार का चुनिंदा दवा कौन सा है। आपको पता है जो दाद खाज खुजली होता है वो एस्केबिज होता है, ठीक है। और ये एस्केबिज जो होता है चर्म रोग, इसके लिए कौन सा चुनिंदा दवा है, परमेथ्रिन, कैलामाइन लोशन, टिंचर बेंजाइट, पोवाडीन, आयोडीन। तो आपको पता है कि परमेथ्रिन एक बेस्ट दवा है स्किन के रोग के लिए, एस्केबिज के लिए, ठीक है। तो इज द ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। पांचवा है, यहाँ पे देख लीजिए, कहता है सिलेवरी स्केल्स प्लेक्स, यानी सिलेवरी स्केल्स जो प्लेक्स होते हैं, प्लेक्स दैट आर हल्की सी खुजली मरीज के घुटनों और कोहनी की कहलाती है। मतलब कह रहा है कि सिलेवरी स्केल्स प्लेक्स
हल्की सी खुजली मरीज के घुटनों और कोहनी की कहलाती है। घुटना और कोहनी पर हल्का सा खुजली होता है प्लेक्स सिल्वरी प्लेक्स पर, वह क्या कहलाता है? एस्केबीज, ठीक है, विटिलिगो, इम्पिटिगो या फिर सोराइसिस। तो आपको पता होना चाहिए यह आपका सोराइसिस है, ठीक है, जो घुटने और कोहनी के हल्का ऊपर खुजली होता है, ठीक है। आगे है, लेप्रोसी में कौन सा संवेदनशीलता पहले नष्ट होती है? कहता है जब लेप्रोसी की जाती है तो सबसे जो सेंसिटिविटी होता है पहले कौन सा नष्ट होता है? तापमान, दर्द, स्पर्श, दबाव। तो सबसे पहले जो नष्ट होता है वह तापमान नष्ट होता है, ठीक है। यानी किसी को आप छूने पर हमें तापमान महसूस होता है ना कि गर्म है या ठंडा, तो जैसे ही लेप्रोसी होता है तो उसमें सबसे जो संवेदन होता है सेंसेशन, वह तापमान नष्ट होता है, ठीक है। आगे है, स्वास्थ्य शिक्षण केमिकल पिलिंग के बाद मरीज में क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे कह रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षण केमिकल पिलिंग के बाद मरीज में क्या देखने को मिलता है? धूप के संपर्क में आने से बचना, ज़्यादा पानी पीना, उस जगह पर ठंडी पट्टी का प्रयोग करना, नहाते समय स्क्रब का प्रयोग करना, ठीक है। तो केमिकल जो पिलिंग होता है इसके बाद मरीज धूप के संपर्क में आने से बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई मरीज है, ठीक है, कोई मरीज है, वह मरीज केमिकल पिलिंग है, ठीक है, उसे कोई रसायन का अटैक है, तो उसको हम क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे? तो जो पेशेंट, अगर किसी को एसिड अटैक है, किसी को कोई रसायन का अटैक है, किसी को कोई केमिकल का अटैक है, तो उसको हम सबसे पहले यही कहते हैं कि धूप के संपर्क में आने से बचिए, क्योंकि धूप में जाने से और ज़्यादा इरिटेट होता है, समझ गए ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में करके रखना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के किरणों से जलन क्या किस पर, यहाँ पे देख लीजिए एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है पूरी मोटाई जलन के खतरे में कम सम्मिलित है। कहता है पूरी मोटाई जो जलन के खतरे में कम सम्मिलित होता है, ठीक है। तो सूर्य की किरणें से जलन, थर्मल चोट, केमिकल या रासायनिक चोट, इलेक्ट्रिकल चोट। यहाँ पे कहता है कौन सा ऐसा जलन है जिससे कम खतरा होता है, कम जलन होता है? तो सूर्य के किरण, इससे भी जलन होता है बट लोग इसे बर्दाश्त कर लेता है, तभी तो धूप में निकल जाता है ना। लेकिन जो थर्मल चोट होता है, उष्मीय जो प्रभाव होता है, केमिकल या रासायनिक चोट होता है, इलेक्ट्रिकल चोट होता है, इन सबसे ज़्यादा जलन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, नौमा है, कहता है कि जलने से चोट यानी बर्न इंजरी मुख्य समान प्रकार है, किस प्रकार जलने से जो चोट आता है, जो इंजरी आता है, वह किस प्रकार का है? रासायनिक है, इलेक्ट्रिकल है, थर्मल है, अभिश्वसन है। तो आपको पता होना चाहिए जो व्यक्ति जल जाता है तो उसे उष्मीय चोट कहा जाता है, ठीक है, बर्न इंजरी कहा जाता है, उष्मा के प्रभाव से लोग जलता है। तो थर्मल मतलब ही होता है उष्मा, तो यह एक प्रकार का उष्मीय चोट होता है, उष्मीय इंजरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, परिभाषित निदान विधि पल्मोनरी एम्बोलिज्म की है, मतलब कहता है इनमें से कौन सा एक परिभाषित विधि है जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की है? देखिए, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी पल्स ऑक्सीमीटर, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन। तो हमें ये बताना है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए इनमें सबसे निदान का बेस्ट विधि कौन सा है, मतलब टेस्ट का विधि कौन सा अच्छा है। तो अगर किसी पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, ठीक है, पल्मोनरी में किसी तरह का जो है थक्का बन जाए किसी तरह का, तो उस कंडीशन में हम जो है पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है, पल्मोनरी एंजियोग्राफी करके पता लगाते हैं कि कहाँ पर ये चीज़ें एम्बोलिज्म बना है। आगे प्रश्न है, मॉर्फी देने पर मुख साइड प्रभाव के साथ सम्मिलित है। कहता है कि अगर कोई पेशेंट को हम मॉर्फी देते हैं, मॉर्फिन क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा भयंकर दर्द से राहत देता है, तो इस कंडीशन में इसका मुख जो साइड इफ़ेक्ट होता है वह हृदय गति रुकना, कोमा, प्रोलाइटिक इलियस, सांस का रुक जाना। तो सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट सांस का रुक जाना हो सकता है मॉर्फिन के साइड इफ़ेक्ट में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कहता है रिस्पायरेटरी फेलुअर, श्वसनपात, श्वसनपात का मतलब होता है श्वसन का फेल हो जाना, इसके उच्च खतरे किसमें उपस्थित होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा रिस्पायरेटरी फेलुअर किस मरीज में होते हैं? अस्थमा के मरीज में, COPD के मरीज में, परिकार्डाइटिस के मरीज में, गुलियन बेरी सिंड्रोम के मरीज में। तो आपको पता होना चाहिए
कि जो अस्थमा के मरीज होते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित होते हैं आपके श्वसन से, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है सांस लेने में, और इन्हीं मरीज को सबसे ज़्यादा खतरा रहता है रिस्पायरेटरी फेल होने का अस्थमा के मरीज के। ओके, नेक्स्ट है ट्रेकियोस्टोमी की साइट है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ट्रेकियोस्टोमी जो किया जाता है गर्दन में चीरा लगा के जो श्वसन की क्रिया शुरू करने के लिए जो चीज़ें किया जाता है वह ट्रेकियोस्टोमी कहाँ किया जाता है, साइट क्या है। पहला ऑप्शन है दूसरा और तीसरा ट्रेकियल रिंग के बीच, तीसरा चौथा के बीच, चौथा पाँचवा के बीच, पाँचवा छठा के बीच। तो सबसे जो अच्छा साइट होता है वह दूसरा और तीसरा ट्रेकियल के बीच में होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एनाफाइलेटिक प्रतिक्रिया का महत्वपूर्ण नर्सिंग जिम्मेदारी है। कहता है कि एनाफाइलेटिक रिएक्शन में नर्स के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कौन सी है, देखा ध्यान दी। तो एक पेशेंट है, एक पेशेंट को जो है एनाफाइलेटिक शॉक लगता है या एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है, तो उस दौरान नर्स के सबसे भारी जिम्मेदारी यही होता है कि ऑक्सीजन देना, एड्रिनेलिन देना, एंटीडोट देना, जैविक की निगरानी करना यानी वाइटल का निगरानी करना, मॉनिटर करना। तो एक नर्स को सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है एनाफाइलेटिक रिएक्शन में कि मरीज का वह जो है श्वसन मार्ग को साफ करे, ठीक है, श्वसन मार्ग एयरवे को साफ करे और अच्छे से श्वसन कर पाए पेशेंट, इस लायक बनाना, और अगर नहीं पेशेंट श्वसन कर पा रहा है तो ऑक्सीजन देना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। आगे का प्रश्न है, कहता है यहाँ पे आप लोग बढ़िया से देखिएगा समझिएगा, 15 नंबर है, अपवाइड का एंटीडोट क्या है। देखिए अलग अलग बीमारी है, अब सभी बीमारी में अलग अलग दवाइयाँ हैं, अब सब दवाइयाँ के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, तो साइड इफ़ेक्ट को काटने के लिए एंटीडोट जो है दिया जाता है। तो कहता है अपवाइड जो दवा होता है उसका एंटीडोट कौन होता है, एड्रिनेल, आईवी नोसोलोन देना और जल संयोजन बनाए रखना, मेंटेन हाइड्रेशन, चारकोल देना। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है अपवाइड का एंटीडोट होता है एडमिनिस्ट्रेटर आईवी नेक्सोजोन, ठीक है, नेलोक्सोन, ठीक है, नेलोक्सोन, ठीक है, नेलोक्सोन याद रखिएगा। आगे है 16 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है, पल्मोनरी सूजन, पल्मोनरी फेफड़ा में सूजन होने पर श्वसन की आवाज़ के लक्षण कैसा आता है, क्रेकल का, ट्रेकिया ब्रोंकियल का, ब्रोंकियल का उपार्जित यानी एडवेंटियस। तो कहता है पल्मोनरी सूजन होने पर श्वसन के आवाज़ के लक्षण कैसा होता है, तो राइट आंसर जो है आपका क्रेकल। किसी को अगर फेफड़ा में सूजन हो जाता है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, तो उस दौरान उसका श्वसन जो होगा वह आवाज़ जो आएगा वह क्रेकल टाइप से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर है, सीओपीडी में सभी आते हैं सिवाय किसके, सीओपीडी में सब बीमारी आते हैं सिवाय किसके, तो इनमें से एम्फाइसमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सब आता है, और लेकिन एटीलेक्टेसिस, ठीक है, एटलेक्टेसिस जो है नहीं आता है, ये चीज़ें ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ओके चलिए आगे, तो याद जरूर रखना है कि सीओपीडी में एम्फाइसमा भी आता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी आता है, अस्थमा भी आता है, लेकिन एटलेक्टेसिस नहीं आता है, ध्यान में रखना है। ओके नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, कहता है सही कथन तीव्र श्वसन डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए पहचाने। कहता है सही कथन पहचानना है कि इसमें ARDS के लिए कौन सा है सही कथन, ठीक है। तो एलबोली ऊपरी की तरफ बढ़ना, जो एलबोली होता है आपको पता है इसमें वायु भर के रहता है फेफड़ा के अंदर, तो ये एलबोली क्या ऊपर की ओर बढ़ जाता है, एलबोली क्या इलास्टिसिटी नष्ट हो जाता है एलबोली का, क्या एल्वियोलर स्थान में द्रव भर जाता है, एलबोली निपात हो जाता है। तो राइट आंसर यही होता है कि जो एल्वियोलर स्थान है जहाँ पे एलबोली रहता है वहाँ पे द्रव भर जाता है ARDS में, ठीक है, तो ये चीज़ें को ध्यान में आपको रखना है। ओके आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि श्वसनीय मार्ग में सीधे दवाई लेना क्या कहलाता है, इनक्शन मतलब मरहम को रगड़ना, सांस लेना, स्थापना, धावन। तो देखिए अलग अलग मार्ग है श्वसन के दवाइयां लेने का, कोई मुंह से लेता है, ठीक है, कोई इंजेक्शन आईवी से लेता है, कोई श्वसन सूंघ के लेता है। तो जो श्वसन मार्ग से दवाई लेता है यानी श्वसन सूंघ कर ही लेगा, तो ऐसे कंडीशन में सांस लेना, इनहेल करना ही जो है
दवाई लेने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, ठीक है। ये हो गया 20 नंबर के अपन क्वेश्चन है कि दवाई का सीधे आँख में डालना क्या कहलाता है। दवाई का सीधे आँख में डालना इनक्शन, इरीगेशन, इंस्टीलेशन, इनहेलेशन। तो दवाई को जो है आँखों में डालना, कानों में डालना, जहाँ भी बूंद बूंद करके डालते हैं वह होता है इंस्टीलेशन, ठीक है, इंस्टीलेशन होता है, समझ गए। 21 नंबर है मुख्यतः समान रूप से उपयोग होने वाली स्टीम इन्हेलर कौन सा है। कहता है मुख्यतः सबसे महत्वपूर्ण जो है सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले स्टीम इन्हेलर कौन सा है। अल्ट्रासोनिक है, नेल्सल इन्हेलर है, जेट इन्हेलर है, मार्शल इन्हेलर है। तो सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो होता है आपका यहाँ पे नेल्सल इन्हेलर, ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न बहुत खूबसूरत प्रश्न है, ब्रोंकोस्कोपी होती है किसका होती है। ग्रास नली में असमानताओं को देखना, फेफड़ों के विकारों के लिए ऊतक का सैंपल लेना, रक्त स्राव और अन्य अवयवों को ग्रास नली में निकालना, उपरोक्त सभी। तो ब्रोंकोस्कोपी जो है उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है, चाहे ग्रास नली को देखना हो या फेफड़ों की कोई समस्या हो उसको देखना हो या फिर रक्त स्राव या फिर अन्य अवयवों को ग्रास नली से कैसे निकालना है, यह ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा देखा जाता है। समझ गए बातें को, चलिए आगे दिखाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग ये चीज़ को समझ गए। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है कि कोलोस्टोमी क्लोन के दाईं तरफ हो तो क्या कहलाती है। कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी आपको पता है कि एक क्लोन में ही छिद्र किया जाता है, एक कोलोस्टोमी होता है, समझ गए। जैसे ये आपका पेट है, इसमें जो है आपका ये बड़ी आँत है, ठीक है, ये बड़ी आँत है, समझ गए, ये बड़ी आँत है। तो ये बड़ी आँत जो होता है, मैं आपको बता दूँ कि ये बड़ी आँत आपका जो होता है इसका बड़ा पार्ट कोलोन का होता है, इसी में बाहर से छिद्र करके जो है डायरेक्ट पोषण वगैरह इसमें डाला जाता है, ठीक है। तो कहता है कोलोस्टोमी, ये जो सर्जरी है कोलोस्टोमी या कोलोन की अगर दाई तरफ हो, मतलब ये वाला हिस्सा कोलोन है, इस साइड अगर आपका कोलोस्टोमी हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है। सूखी कोलोस्टोमी, बेट कोलोस्टोमी, दोहरी बैरल कोलोस्टोमी, लूप कोलोस्टोमी। तो अगर कोलोस्टोमी क्लोन के दाईं तरफ राइट साइड रहे तो वह गीला कहाएगा, ठीक है। और अगर बाईं तरफ हो, चीज़ों को समझ लीजिए यहीं पर, अगर बाईं तरफ कोलोस्टोमी के हो क्लोन, क्लोन के बाईं तरफ जो है कोलोस्टोमी हो तो उसे सूखी कहेंगे, मतलब क्लोन है। अगर राइट साइड होगा, दाईं तरफ होगा तो यह गीला होगा, ठीक है। और अगर सूखा होगा तो यह जो है लेफ्ट साइड होगा कोलोस्टोमी क्लोन के, ठीक है, बातें को समझ गए। चलिए समझते चलना है आगे है। सिग्मोइडोस्कोपी के दौरान मरीज को कौन सा पोजीशन दी जाती है। एक मरीज है जिसको सिग्मोइडोस्कोप करना है तो उसके लिए जो है उसे कौन सा पोजीशन देंगे। सुपाइन पोजीशन देंगे, प्रोन पोजीशन देंगे, लिथोटोमी देंगे, लेफ्ट लेटरल देंगे। तो हम सबसे पहले सिग्मोइडोस्कोपी करने के लिए कौन सा देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, बाएं लेटरल, ठीक है। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि क्लोन का वह कौन सा भाग है जहाँ पे परमानेंट कोलोस्टोमी की जा सकती है, मतलब वह क्लोन का बड़ी आंत का वह कौन सा भाग है जहाँ पे परमानेंटली अस्थाई रूप से कोलोस्टोमी की जा सकती है, कौन सा भाग है। तो एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सिग्मोइड कोलोन जो है यह एक ऐसा भाग है कोलोन का जहाँ पे परमानेंटली भी कोलोस्टोमी की जा सकती है सिग्मोइड कोलोन पे, ठीक है। हो गया, अच्छे से समझ गया गया, चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है अपन यहाँ पे कि क्लोटोमी इरिगेशन करते समय फ्लूड कंटेनर की ऊंचाई किस स्तर पर रखते हैं। कहता है कि कोलोस्टोमी किसी पेशेंट को, मानिए हम कोलोस्टोमी दिए हैं, ठीक है, किसी पेशेंट को हम धो रहे हैं, इरिगेट कर रहे हैं, समझ गए, क्लोन को। और उसके लिए जो कंटेनर होता है, मान गए कि यहाँ पे पेशेंट बेड पर पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खंभा लगा है, एक खंभा लगा है, यहाँ पे बोतल टंगा है, ठीक है, एक कंटेनर है। तो ये कंटेनर जो होता है इसका ऊँचाई जो है यहाँ पर ये वाला ऊँचाई कितने स्तर पर रखते हैं,
25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा कि कोलोटोमी में इरिगेशन के लिए जो फ्लूड का जो डब्बा होता है, तरल पदार्थ का जो कंटेनर होता है, वह 45 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखते हैं। ठीक है, आगे है ये सब समझने वाला प्रश्न है, नहीं समझिएगा फिर जो है आप लोग यही एग्जाम में पूछता है तो आप लोग कहते हैं कि थ्योरी से पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है। नहीं, आप जो है यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है कि कोलोटोमी, देख लीजिए, कहता है कोलोटोमी इरिगेशन करते समय कैथेटर की कितनी लंबाई एस्टोमा में कितनी डालते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, यही प्रश्न में लोग जो है फंसते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ इंडिकेट कीजिए, ये यहाँ पे कोलेटोमी होता है। ठीक है, क्या होगा? कोलेटोमी होगा, कोलेटोमी। ठीक है, कोलेटोमी होगा, यहाँ पे सी ओ एल ई कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कोलेटोमी इरिगेशन करते समय कैथेटर जो पाइप होता है उसकी कितनी लंबाई एस्टोमा में डालते हैं। ठीक है, एस्टोमा में कितनी लंबाई डालते हैं, 5 सेंटीमीटर, 10, 15, 20 सेंटीमीटर। तो जब हम कोलोटोमी इरिगेशन करते हैं तो उसमें जो पाइप होता है 10 सेंटीमीटर तक एस्टोमा में डालते हैं। ठीक है, एस्टोमा जो होता है, जो छिद्र बनाया गया रहता है, उसी को एस्टोमा कहते हैं, इसी के अंदर से कैथेटर अंदर डालते हैं। ठीक है, एक महिला को वेरिकोज वेन है, वेरिकोज वेन से की समस्या है, तो निम्न में से क्या नहीं करने की सलाह देंगे। एक महिला है, वेरिकोज वेन क्या होता है, वेरिकोज वेन का मतलब होता है कि जहाँ पे भी वेरिकोज वेन होगा वहाँ के नस से टाइट हो जाएगा, सूजन हो जाएगा नस में। ठीक है, नस से फूल जाएगा, तो ये वेरिकोज वेन होता है। तो इस अगर कोई महिला वेरिकोज वेन से पीड़ित है तो उसको क्या सलाह नहीं देंगे। ठीक है, समर्थन स्टॉकिंग पहनना, देर तक खड़े रहना, काफ़ी मांसपेशियों का व्यायाम करना, बैठी हुई स्थिति में पाँव को उठाकर रखना। तो कहता है कौन सा सलाह नहीं देंगे, तो सलाह नहीं देंगे कि भाई देर तक मत खड़े रहिए, क्योंकि देर तक खड़े रहिएगा तो यह और प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर देगा, इसलिए देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सलाह आप दे सकते हैं वेरिकोज वेन वाले पेशेंट के। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन टेस्ट में कौन सा हार्मोन का रोल होता है। मानिए प्रेगनेंसी के दौरान हम महिला का यूरिन का टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा हार्मोन का रोल होता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन, HCG और ऑक्सीटोसिन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यह प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन में काफ़ी ज़्यादा इसका रोल रहता है, HCG का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया। अब हमारा 31 नंबर का प्रश्न है, कहता है ओवुलेशन का कार्य उत्तेजित कौन सा ग्रंथि करता है। आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा कि ओवुलेशन के क्रिया जो होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथि होता है पैराथायराइड, प्रीनियल, प्यूटरिट, एड्रीनल। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो हार्मोन ग्रंथि होता है जो उत्तेजित करता है ओवुलेशन के काम को, वह प्यूटरिट ग्लैंड होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ओके, आगे है, कहता है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने में, प्रश्न है, कहता है ग्रेफियन फॉलिकल की जगह कौन सी होती है। ग्रेफियन फॉलिकल की जो जगह होती है सीधा सीधा बताता है, वह डिम्ब होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब, डिम्ब, ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा है, सर्विक्स। तो ग्रेफियन फॉलिकल का जो सबसे बेस्ट जगह है वह आपका डिम्ब है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद होता है आपका 33 नंबर है कैनक्रोइड, देख लीजिए, कैनक्रोइड के कारण योनि मार्ग संकरण, वेनरल इन्फेक्शन के कारण लिम्फ नोड में अल्सरेशन ग्रोयन में हो जाता है, क्या हो जाता है, क्लेमाइडी ट्रेकोमेटिस, ठीक है, ट्रेपोनेमा पेलिडम, निसेरियाई गुनेराई, हेमीफिलस डेक्यूरी। यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि किसी को कैनक्रोइड होता है जो कि एक सेक्सुअल डिजीज है, और इस कैनक्रोइड होने से जो है योनि मार्ग में संक्रमण होता है और उस कारण से लिम्फ नोड में अल्सरेशन माइग्रेशन हो जाता है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है,
तो इसे हम लोग हेमीफिलस डेक्यूर कहते हैं, समझ गए, हेमीफिलस डेक्यूरी कहते हैं। 34 है, कहता है कि प्राइमरी डिसमेनोरिया के कारण क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी डिसमेनोरिया का कारण क्या, मतलब प्राथमिक डिसमेनोरिया के कारण क्या होता है, सर्वाइकल कैनाल में संकीर्णता, गर्भाशय हाइपोप्लेसिया और संकुचन, वैसोप्रेसिन का बढ़ना, उपरोक्त सभी। तो देखिए, प्राथमिक जो डिसमेनोरिया का मतलब होता है उपरोक्त सभी, डिसमेनोरिया का मतलब होता है कि मासिक धर्म में कठिनाई होना, तो इस कारण जो है सर्वाइकल कैनाल में संकीर्णता भी कारण बनेगा, गर्भाशय हाइपोप्लेसिया भी इसका कारण बनेगा, वैसोप्रेसिन का बढ़ना भी जो है इसका कारण बनेगा। तो ये सब जो है कारण होता है प्राथमिक डिसमेनोरिया का। ओके, आगे चलिए। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि एपीमेनोरिया है, एपीमेनोरिया क्या है, एपीमेनोरिया याद रखिएगा, एपीमेनोरिया क्या होता है, मासिक धर्म की अनुपस्थिति जबकि महिला का प्रजनन काल हो, मासिक चक्र में रक्तस्राव धब्बेदार या दो दिन से कम, अनियमित रक्तस्राव गर्भाशय से, मासिक धर्म में रक्तस्राव धब्बेदार या दो दिन से कम। तो देखिए, ये सब जो होता है, जो मासिक चक्र में जो रक्तस्राव होगा वह धब्बा वाला होगा और दो दिन से कम यह चक्र चलेगा, तो यही जो है आपका एपीमेनोरिया होता है, ध्यान में रखिएगा, दो दिन से कम और रक्तस्राव जो होगा वह धब्बेदार होगा, यही एपीमेनोरिया होता है। 36 नंबर का प्रश्न है एमोनेरिया, एमोनेरिया का मतलब होता है कि मासिक धर्म की अनुपस्थिति जबकि उसका प्रजनन काल शुरू हो गया है, मासिक चक्र में रक्तस्राव, मासिक चक्र का दो दिन से कम होना, अनियमित रक्तस्राव गर्भाशय से, मासिक धर्म में रक्तस्राव धब्बेदार या दो दिन से कम। तो देखिए, एमोनेरिया ए फोर होता है अबसेंस, ठीक है, ए फोर क्या होगा, अबसेंस, अबसेंस मतलब क्या होता है, अनुपस्थिति, मतलब बिल्कुल नहीं, ठीक है, और मेनोरिया का मतलब होता है रक्तस्राव। अब जो कोई महिला है वो महिला अभी बच्चे को जन्म देने वाली है, उसका एज अभी 45 या 50 इससे कम है, तो उसका प्रजनन काल अभी है, और प्रजनन काल में अगर मासिक धर्म ना आए, अनुपस्थित हो जाए, तो उसे एमनोरिया कहेंगे, ठीक है। मेट्रोरिजिया, ठीक है, मेट्रोरिजिया क्या होता है, मेट्रोरेजिया क्या होता है, तो मेट्रोरेजिया महिलाओं में प्रजनन काल में मासिक चक्र की अनुपस्थिति, जो कि बता चुके हैं एमनोरिया, मासिक धर्म चक्र का 21 दिन से कम, अनियमित रक्तस्राव गर्भाशय से, मासिक रक्तस्राव धाबेदार या दो दिन से कम। तो मेट्रोजिया का मतलब होता है कि अनियमित इरेगुलर रक्तस्राव होता है यूट्रस से, ठीक है, यूट्रस से लगातार जो है आपके ब्लीडिंग होते रहता है, मेट्रोजिया। 38 नंबर है हाइपोमेनोरेजिया, मेट्रोजिया, ए है हाइपोमेनोरेजिया। हाइपोमेनोरेजिया होता है महिलाओं में प्रजनन काल में मासिक चक्र की अनुपस्थिति होना, मासिक धर्म चक्र 21 दिन से कम, अनियमित रक्तस्राव, मासिक रक्तस्राव धब्बेदार या दो दिन से कम। तो हाइपोमेनोरिया में भी वही होता है जो आपको मैंने ऊपर बताया, ठीक है, तो हाइपोमेनोरिया में भी मासिक स्राव होता है और धब्बेदार होता है और दो दिन से कम रहता है, तो ये हाइपोमेनोरिया हो गया, ठीक है। सब चीज़ को, सभी क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, वरना आपको जो है जॉब होना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपकी बार कंपटीशन है, बहुत सारे लोग जो है बैठे हुए हैं कोर्स करके। स्तन से स्रावित गाढ़ा पीला दूध आरंभिक रूप से होता है, कहता है ब्रेस्ट से पहला जो गाढ़ा पीला आरंभ का जो दूध होता है वह क्या होता है, क्लोएस्ट्रोम होता है, पहला दूध, पिछला दूध, परिपक्व। तो स्तन से जो मिल्क आता है गाढ़ा पीला पहला, वह क्लोएस्ट्रोम होता है, बातें को आप लोग समझते हैं, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है क्लोएस्ट्रोम के बाद स्रावित दूध, अगर मान गए पहला दूध क्लोएस्ट्रोम वाला निकल गया तो उसके बाद जो स्रावित होने वाला दूध होता है वह कैसा दूध होता है, पहला दूध, पिछला दूध, संक्रमण दूध या फिर परिपक्व दूध। तो जो आपके क्लोएस्ट्रोम के बाद जो मिल्क होता है वह संक्रामक दूध होता है, ठीक है। 41 नंबर का है स्तन के दूध को रेफ्रिजरेटर में कितनी देर रखा जा सकता है, तो स्तन से दूध निकालकर हम फ्रिज में 24 घंटे तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए ये सब, ये चीज हो गया। 42 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए, शिशु में कैपिलरी फिलिंग को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सा है, बच्चे में कैपिलरी जो फिलिंग होता है इसको देखने के लिए सबसे अच्छी जगह क्या है,
आप लोगों को बहुत सारे लोग पढ़ाया होगा कि कैपिलरी फिलिंग का टाइम कितना होता है, बच्चे में टाइम कितना होता है, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि शिशु में कैपिलरी फिलिंग को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन होता है। नाखूनों को नीचे का आधार, नेल बेड, एस्टर्नम, कान का ल्यूबल और बड़ी अंगूठा। तो बच्चे में, शिशु में जो कैपिलरी फिलिंग होता है उसको देखने का सबसे अच्छा जगह एस्टर्नम होता है, ठीक है। आगे है 43 नंबर है, बच्चे की शारीरिक स्थिति के तुरंत अनुमान का सूचक कौन सा है। आप बच्चा जन्म लेता है और तुरंत जो है आप उसको शरीर का अनुमान लगाते हैं कि किस स्थिति में है, तो वह सूचक कौन सा होता है। न्यू बेलार्ड स्केल, अपगार स्कोर, वृद्धि चार्ट, स्वास्थ्य आकलन। तो आपको पता है कि जन्म के तुरंत बाद अपगार स्कोर जो है लेते हैं, तो यही ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। 44 नंबर के है, बहुत अच्छा प्रश्न है, अपगार में जी का अर्थ क्या होता है। ग्रंटिंग, ग्रोथ, ग्रॉस, ग्रीमेस। तो अपगार में जी का मतलब होता है मुंह बनाना, मतलब ग्रीमेस, ठीक है, याद रखिएगा। 45 नंबर है, नियोनेंटल रिससिटेशन, ठीक है। नियोनेंटल रिससिटेशन किस क्लिनिकल सस्पेंस में बैग मास्क वेंटिलेशन निषेध जो है होता है। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि नियोनेंटल रिससिटेशन में किस क्लिनिकल जो है सस्पेंस में बैग मास्क वेंटिलेशन जो है निषेध होता है, मतलब वहाँ पे बैग मास्क वेंटिलेशन नहीं दिया जाता है किस क्लिनिकल सस्पेंस में। डायफ्रेमेटिक हर्निया में, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, मैक्रोनियम स्पेस एस्पिरेशन और न्यूमोथरैक्स। तो देखिए, अब बैग मास्क अगर दिया जाएगा वेंटिलेशन में तो श्वसन की क्रिया तेज हो जाएगी, और श्वसन की क्रिया अगर तेज होगी तो ये जो डायफ्राम को पार करते हुए जो हर्निया हुआ है ये दिक्कत करेगा बच्चे को, ठीक है, क्योंकि फेफड़ा का अलग भरा रहेगा वायु से और ये अलग ऊपर भेज देगा। 46 है, डैश के हाइपोथर्मिया की विशेषता नहीं है, मतलब डैश जो है हाइपोथर्मिया की विशेषता नहीं है। कमज़ोर पोषण, मेटाबॉलिज्म एसिडोसिस, इंक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन और श्वसन दाब। तो हाइपोथर्मिया की विशेषता नहीं है कि यह इंक्रीज पेरिफेरल जो है परफ्यूजन, यह इसकी विशेषता नहीं है। 47 नंबर है, निम्नलिखित में हेपेटाइटिस वायरसों में से कौन सा पेरिनेंटल ट्रांसमिशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो कहता है कि पेरिनेंटल ट्रांसमिशन के लिए कौन सा वायरस सबसे महत्वपूर्ण है। तो हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है सबसे ज़्यादा पेरिनेंटल ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होता है, ओके। 48 है, कहता है लेट डाउन रिफ्लेक्स क्या होता है। दूध श्रवण रिफ्लेक्स, दूध निकलने का रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, बेबेंस्की रिफ्लेक्स। तो माय डियर, लेट डाउन रिफ्लेक्स जो होता है वह दूध निकलने का रिफ्लेक्स होता है, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, ओके। सारा कुछ पढ़ा दूंगा, ध्यान रखना है बस। इम्यूनोग्लोबिन का एकमात्र वर्ग, ओनली क्लास, जो प्लेसेंटा को पार करता है, ठीक है। कहता है इम्यूनोग्लोबिन का वह एकमात्र वर्ग जो प्लेसेंटा को पार करता है, IgG, IgM, IgA, IgD। तो इस हिसाब से इम्यूनोग्लोबिन एक ऐसा मात्र है जो प्लेसेंटा को पार करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, 50 नंबर है आज का। मानव शरीर के सबसे प्रचुर इम्यूनोग्लोबिन है, मतलब मानव शरीर के सबसे जो है प्रचुर एबेंडेंट जो इम्यूनोग्लोबिन है वो कौन सा है, IgG, IgM, IgA, IgD। तो सबसे जो प्रचुर है वह IgG है, इसको ध्यान में रखना है। 41 नंबर का प्रश्न है, 41 में कहता है कि इम्यूनोग्लोबिन का अधिक मात्रा किस स्राव में अधिक पाया जाता है, जैसे लार, स्तन का दूध, मतलब किस में ज़्यादा पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन का अधिकतम मात्रा किस स्राव में अधिक पाया जाता है, जैसे लार, स्तन का दूध। तो IgG, IgM, IgA, IgD। तो IgA जो होता है यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन में यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, जो कि माँ के स्तन के दूध से मिलता है। लास्ट है आज का, प्री टर्म यानी असामयिक यानी समय से पहले प्रसर्व में
प्रसर्व, भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता, फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए माता को कौन सी दवा दी जाती है। कहता है कि अगर समय से पहले बच्चा जन्म ले रहा है तो उस दौरान भ्रूण के फेफड़ों को मैच्योरिटी लाने के लिए, ताकि वह वातावरण में आने के बाद श्वसन अच्छे से कर सके, इसके लिए प्रोस्टाग्लैंड, बेटा मेथासोन, ऑक्सीटॉक्सिन, एड्रेनेली। तो बेटा मेथासोन जो होता है यह जो है प्री टर्म बच्चों में फेफड़ों के मैच्योरिटी को बनाए रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 52 प्रश्न जो है मैंने आपको करा दिया, समझा दिया। यह तीसरा वीडियो है, और अगर ये सारे प्रश्न खुद से एक बार पढ़ना है तो आपको जो है nursingjnan.com पर जो है आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं डाल रखा हूँ nursingjnan.com पर, जो आपके कंपटीशन वाला एरिया है उसमें आपको सभी ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, 52 मैंने आज क्वेश्चन किया, डेली ये क्वेश्चन आ रहा है। ये तीसरा क्वेश्चन था, इससे पहले 2 वीडियो मैंने कर चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो था आपका। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। शेयर कीजिए, जो भी लोग चाहते हैं स्टाफ नर्स की नौकरी कर पाएँ तो शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।